हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पर हमारा जैकी सो के यहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेते हुए, ये गेहूं का पुल जो मम्मी लेके आई है। और यहाँ पर है हमारे गेहूं जो बारिश और अभी भी बादल लग रखे हैं, ठीक है। और हल्की सी धूप आ रही है 12 बजे, ठीक है। तो इसको उठाएंगे हम, गेहूं सुखाएंगे फिर। तो दोस्तों, गेहूं सुखाने के लिए रख दिए हैं मैंने, ठीक है। इनको आज या कल को जुटेंगे, अगर ये अच्छी खासी धूप आई रहेगी, वरना बादल लग जाएंगे तो नहीं जुटेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को पूरे कमरे में झाड़ू वगैरह इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है, कपड़े वगैरह। तो अभी मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों, मैंने नीचे वाले कमरे ऊपर वाले कमरे में सब में लगा दिया है झाड़ू, ठीक है, ये। और तो दोस्तों, ये है धनिया और ये है प्याज, घर का ही निकल गया होगा इसके साथ। तो धनिया हो गई है हमारी, इतनी सी धनिया हुई है, और इसको हम निकालेंगे ना, इसके दाने को। और ऊपर वाला कमरा मैंने साफ कर दिया है, ये जैकी। और अभी बिछाऊंगी मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, चटाई। तो दोस्तों, अभी हम गेहूं चूट रहे हैं, ठीक है, और हम मतलब दूसरा कटोला चूट रहे हैं गेहूं। एक तो चूट लिया है, अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चूटे हैं गेहूं, ये है गेहूं। और वहां पर मम्मी चूटी थी, मम्मी ने ऊपर से छत से मतलब उसको गेहूं को नीचे फेंका है, तो यहाँ पर मैं चूट रही हूँ, ठीक है। और इतने सारे मतलब चूट दिए हमने, बस अब इतने ही है आज के, ठीक है। तो अभी हम गेहूं चूट लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।
तो उसने फाइनली गेहूँ चूट लिए है और वहाँ पर इकट्ठा भी कर दिया है। तो अब थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलते, ठीक है। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और अभी मैं आई हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए। बहुत ज़्यादा गेहूँ चूटने की वजह से बहुत ज़्यादा थकान होगी, ठीक है। तो थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद शाम को मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय। और ये है मेरा जूस मैंगो का और हाथ मेरे ऐसे हो रहे हैं ना, क्या बताऊँ। तो अभी मैं पी लेती हूँ इसको, जूस को, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ घास के लिए, डलिया लेके आई हूँ, ठीक है, टब बोलते हैं हम इसे। तो घास के लिए आ गई हूँ और मतलब अभी धूप अच्छी आ रही है और धूप अभी गई नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा खेत और मुझे घास बना के लेके जाना है यहाँ, मतलब यहाँ से। तो दोस्तों ये है हमारा खेत, ठीक है, तो मुझे यहीं से घास बना के लेके जाना है। ओके, ठीक है, तो फिर पहले घास बनाते हैं। तो दोस्तों अभी घास वास बनाते हैं, ठीक है। आजकल मतलब दूसरों के खेत से नहीं मतलब घास नहीं खाते, तो इसे अपने अपने खेत से खाते हैं। तो इसी वजह से डलिया मतलब हम बड़े से मतलब वो लेके आते हैं, चुनी उसमें लेके जाते हैं घास, ठीक है। पिछले साल लेके गए थे, अब सार मतलब बंद हो गया है दूसरों के खेत में जाने के। और तब हम बहुत सारी लड़कियाँ थी मतलब दीदी लोग थे, तो अब कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने अपने खेत से ढूंढते हैं घास, उसके बाद मिलते हैं। तो ये रहा घास मेरा और अभी और निकालना है गाधा में से। ये है मेरा गाधा सूंग वगैरह, ठीक है। तो मैंने बना लिया है घास और इसको इसमें रखेंगे और हाथ मेरे ऐसे हो गए ना भाई। तो दोस्तों घास वास बना के डलिया से रख के अब जा रही हूँ घर को, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ से कैसा यहाँ से खेती खेत दिखते हैं, खैर गांव भी है इस साइड को हमारा ही, ठीक है। तो अभी दिखाती हूँ। तो किसी किसी के गेहूं और रहे हैं मतलब काटने, क्योंकि वो हरे ही हैं अभी। और ये आम का बड़ा सा पेड़ है, बाकी मतलब सारे काट दिए हैं गेहूं लगभग। ये देखो ऐसा है पूरा, ऊपर को रास्ता आ गया और ये है रास्ता। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घास से घर, ठीक है। तो अभी मम्मी गाय से दूध निकाली है और हमारी स्वीटी यहीं पर है, वो घास खा रही है, भी दिखा देता हूँ। ये देखो हमारी स्वीटी यहाँ पर। तो दोस्तों अभी स्वीटी मम्मी के पीछे चले गई है, मम्मी जा रही है खेत में। तो ये भी मम्मी की सांग, आजा आ आजा ये गुड। तो अभी हमने स्वीटी को बांध दिया यहाँ पर, क्योंकि ये घास खाएगी ना, यहीं पर बैठ रहा था। तो दोस्तों अभी अम्मा आ रखी है और आज हमने भी चाय वाय नहीं पी, तो मैंने चाय रखी है अभी चूल्हे में, ठीक है। और मम्मी खेत में गई है मतलब ऊपर वाले, तो अभी आ जाएगी सब्जी के। तो दोस्तों अब अंधेरा होने लग गया है, ठीक है। तो अभी मम्मी आ देखी है, मम्मी भी पीएगी चाय, तो चाय देखिए। तो अब अंधेरा होने वाला है, तो सब्जी काटने का टाइम हो जाता है, अंधेरा अंधेरा तो अम्मा अपने मतलब ऐसी बात करिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा। दोस्तों अम्मा चाय पीने लगी है। अम्मा चाय कैसी हो रही है? अच्छी हो रही। अच्छा, तो अभी मैं सब्जी बनाने लगी आलू की। ये है बनाओ। हाँ, ये है घर के आलू, ठीक है। तो इनकी सब्जी बनाते हैं अभी। इसमें मट्ठा डालेंगे हम, सिंपल सी आलू और मेथी की, और इसमें मट्ठा डाल के बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो दोस्तों अभी ये मयंक को आ गया और आज इसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बो। थैंक यू। ये देखो हमारा बो, पर बो के दांत चूहे ने खा दिए, तेरे को दिखा तो है ना। वो कब आएंगे? अब दो चार दिन। तो बर्थडे में केक लाया है? हाँ। अच्छा, और क्या क्या बनने वाला है फिर? पकौड़ी और बिस्कुट। अच्छा,
ठीक है। तो दोस्तों सब्जी वब्जी बन गई है और अभी मैं जा रही हूँ मयंकर के बर्थडे में, ठीक है। तो जितना हो सकेगा आप लोगों को भी दिखाऊंगी और फिर अभी चलते हैं फिर, ठीक है। तो दोस्तों अंधेरा बहुत ही ज्यादा हो गया है, ये देखो ये तो हमारा घर है और यहाँ से ऐसी दिख रही है लाइटिंग। Happy birthday to you. Happy birthday. Bye. Bye. Bye.